नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ऐसी खुशखबरी आपके जीवन में, आपके आंगन में दस्तक देने वाली है, जिससे आपको ढोल बजाकर स्वागत करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक साथ तीन तीन बड़ी कामयाबी मिलेगी। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से पागल मत हो जाना। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेगा वही पाएगा, बाकी सब पछताते रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों किस्मत हमें मौका देती है, लेकिन हमारी मेहनत सबको चौंका देती है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके मेहनत का ही फल है। कहीं ना कहीं आप पिछले समय अंतराल में मेहनत बहुत किए हैं, इंतजार बहुत किए हैं, वही मेहनत और इंतजार का फल ईश्वर अब आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके मुख से निकली हुई हर बोली सच होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके कुंडली का लेखा जोखा पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता रहे हैं, बहुत सालों बाद आपकी कुंडली में एक ऐसे ग्रह दस्तक दे रही है जिससे आपको कई क्षेत्रों में लाभ होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देवों के देव महादेव जी आपके कुंडली में विराजमान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब स्वयं महादेव जी का निराला खेल शुरू हो रहा है, तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देवों के देव महादेव जी का हाथ पहले से ही आपके ऊपर है। अब तो और भी सोने पे सुहागा होने वाला है। जी हाँ, आपकी किस्मत अब ऐसी उड़ान भरेगी कि आपके दोनों आंखों से खुशी के ढर ढर आंसू निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद आज की वीडियो हमने तैयार किया है, जो कि खास आपके फायदे के लिए है। इसलिए दोस्तों आप अपना थोड़ा सा समय जरूर दें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें, आपको केवल लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ, लेकिन उससे पहले भगवान महादेव और माँ पार्वती जी के जो भी सच्चे भक्त सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती लिखेगा, उन्हें भगवान महादेव जी के साथ साथ माँ पार्वती जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसी ऐसी खुशखबरी आपके घर में दस्तक देंगी जिससे आपको ढोल बजाकर स्वागत करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों तीन बड़ी खुशखबरी आपके आंगन में दस्तक देने वाली है, और ये तीनों खुशखबरी आपके जीवन में बवाल मचा देंगी। जी हाँ, लेकिन आपको खुद को बदलना होगा और समय के साथ चलना होगा। वो कहते हैं ना, जो इंसान समय के साथ चलता है, समय पर कार्य करता है, उन्हीं को सफलता मिलती है, और वही लोग अपने जीवन में सक्सेस हो पाती है। क्योंकि दोस्तों कलयुग के इस दौर में जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। जी हाँ, कलयुग के इस दौर में आपको समय के साथ चलना होगा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। जी हाँ दोस्तों, और आप खुद को तभी खुश रख पाएंगे जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे। जो आपके पास है उसी में अगर आप खुश होना सीख गए, तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि भगवान किसी को कम और ज्यादा नहीं देता है। जी हाँ, उनके लिए सब एक समान है, वो सभी को बराबर देता है, लेकिन कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई भावनाओं में बह के बिखर जाता है। इस राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो लोग अपने जीवन में इतना कैसे खुश रह लेती हैं, आखिर वजह क्या है, इसका राज क्या है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मांगने से खुशियां नहीं मिलती हैं, खुशियां हमेशा खुश रहने से मिलती हैं।
क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशियां नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि आपको खुशी मिलेगी। जी हाँ, आप कोई भी काम लोगों के दबाव में आकर मत कीजिए, आप वही काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी आपको बार बार नहीं मिलती है, एक बार मिला है तो आप इसे अपने हिसाब से जियो, जैसा आपका दिल कहता है, जिस तरह से आपको खुशियां मिलती है उस तरह से अपनी जिंदगी जियो, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, खासकर वो काम जिस काम से आपका पेट चलता है, आपका घर परिवार चलता है। जी हाँ, उस काम को आप कभी भी भूलकर भी छोटा मत कहना, जिस दिन से आप उस काम को छोटा कहने लग जाओगे उस दिन से आपके घर में बरकत होना बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा अपने कामों से प्यार होना चाहिए, आपको हमेशा अपने कामों पर गर्व होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं और भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, फिर देखिए आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और खुशियां बरकरार रहेगी। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप एकदम सही बोल रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको और बताएंगे क्या लाभ होगा और आज आपको क्या सावधानियां बरतनी है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं माहौल मस्ती भरा है, आपकी मुलाकात काफी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप उसके साथ यादगार समय बिताएंगे, सितारे आपके पक्ष में है, ग्रह गोचर आपके पक्ष में है, ये आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए अपनी जो है काम संबंधित सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और खास आदमी के साथ खास समय के लिए एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी जो कि आपको काफी आनंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपके जो है समान के हित लोगों का एक समान व्यायकार करने वालों के साथ वार्तालाप होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बदले में भी वे आपको समर्थन दें। जी हाँ दोस्तों, आपको उन लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं और लोगों को नई वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। किसी पर भी अगर आपको भरोसा करनी है तो आपको उसके बारे में पूरी तरह से जान लेनी है, परख लेनी है कि ये इंसान कैसा है, भरोसे लायक है या नहीं। इससे दोस्तों आप अपने जीवन में धोखे का शिकार नहीं बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं। जी हाँ, अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय आ गया है, आज आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दोस्तों आपको इस समय का सदुपयोग अपनी सभी चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता हुआ जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण के बारे में होने के कारण और भी अधिक परेशान होंगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको अपने फिटनेस कार्यक्रम की आदत डालने के लिए काफी समय दें। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई महीनों से आपके दिमाग में यह बात आई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। अब आपके इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगी, प्यार रिश्ते और परिवार अब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताएंगे, आपको ये याद दिलाएगा, ये एहसास होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और किस वजह से आप निर्णायक कदम लेंगे, किसने काफी समय से आपको परेशान किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताने के लिए तनाव घटाने में भी आपको मदद मिलेगी, जो आपके मन मस्तिष्क पर काफी
दिनों से हावी था। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपको एक अप्रत्याशित रूप से उपहार आपके दिल के निकट के व्यक्ति से मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए काफी उत्तम समय है। आपके सहकर्मी और आपके उच्च पद पर तनाव सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तथा आपसे पूरा सहयोग एवं सहायता करेंगे, जिस वजह से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। तथा संयमकालीन इस समय भी आप किसी समारोह का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी मजा आएगा, काफी खुशी जो है आनंद।